अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो कुक विद उज़्मा सिद्दीक में आज मैं इंतहाई मज़ेदार चीज़ बनाने लगी हूँ, पालक चिकन और उसके साथ बड़े ही मुनफरद अंदाज के चावल। तो ऑयल मैंने डाला है 1 कप और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ प्याज हैं दरमियाने साइज़ के, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो प्याज को फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो प्याज को अब मैं हल्का सा ब्राउन करूंगी। ये देखिए, अब प्याज को चम्मच चलाते हुए ग्राइंड कर लेंगे प्याज, तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। वैसे मिक्स होने में से थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर अब देखिए, चम्मच चला के इसको ऑयल में मैंने मिक्स कर लिया। आग को हम ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे क्योंकि ये ग्राइंड हुआ है, इसलिए जल जाने का ख़तरा है। और अब इसमें खड़े मसालों में काली मिर्च 1 टीस्पून, जावित्री, लौंग है 3 से 4 अदद, दालचीनी के टुकड़े, तेज़पात 2 अदद, बड़ी इलायची और 3 अदद छोटी इलायची, और एन स्टार बादियान खताई के 3 अदद टुकड़े। ये गरम मसाले को डाल के हल्का सा कड़कड़ाएंगे यहाँ तक कि ये खुशबू देने लगे हल्की सी। देखिए, प्याज भी हल्का सा लाइट ब्राउन होने लगा है। और अब इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक है 1 टेबलस्पून और लहसुन का पेस्ट भी 1 टेबलस्पून। इसको भी डाल के फ्राई करेंगे। हल्का सा इसे फ्राई करेंगे। मसालों की खुशबू आ रही है। ये इंतहाई मज़ेदार और आसान तरीके से बहुत ही लजीज पालक चिकन तैयार होता है। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, प्याज किस अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है और कम मेहनत में अच्छी रेसिपी तैयार हो जाती है। और अब इसमें शामिल करूंगी मैं चिकन। चिकन लिया है मैंने तकरीबन 1.5 किलो, 1.5 kg चिकन है। धो के साफ करके इसका पानी निकाल लिया, स्ट्रेनर में रख दिया करें थोड़ी देर पहले ताकि अच्छे तरीके से इसका पानी स्टेन हो जाए। और अब चिकन को हम इतना बना पकाएंगे कि ये सफ़ेद हो जाए, वाइट हो जाए। जब चिकन वाइट हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे खुश्क मसाला जात। नमक है 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, भुना हुआ गरम मसाला घर का तैयार किया हुआ मैंने 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून और हल्दी पाउडर है ये 1/2 टीस्पून। तमाम मसाले डाल दिए मैंने। अब इन मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसका जायका बहुत ही लाजवाब बनता है। मेरे घर में तो बहुत फरमाइश की जाती है कि पालक चिकन और जो राइस हम आपको बताऊंगी वो बनाएं। और अब इसमें शामिल करूंगी मैं 3 अदद ग्राइंड किए हुए प्याज हैं, टमाटर हैं। और इसको आप चाहें तो आप ताज़ा टमाटर भी फाइन चॉप करके डाल सकती हैं या इसको ग्राइंड कर लें। और टमाटरों को भी कुछ देर के लिए भूनेंगे। देखिए, चिकन अपना पानी भी छोड़ता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाले को भूनने के लिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, हल्का सा पानी डालेंगे। जब भी हम मसाला ऐड करेंगे तो थोड़ा सा पानी डालेंगे अंदर ताकि वो मसाला अच्छे तरीके से भून जाए। और इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप दही। आपने शामिल करना है अच्छे तरीके से, पहले दही को फेंट दीजिए ताकि उसमें किसी किस्म का भी लम्स ना हो। और दही डाल के भी अब हल्के इसको भूनेंगे चम्मच की मदद से, दही को मिक्स करेंगे। तो जी, जो पहली दफ़ा चैनल को देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और इस पॉइंट पे जब हमारा चिकन 75% तकरीबन पक जाए तो इसको हम अलग कर लेंगे मसाले से। वीडियो को आखिर तक लाजमी स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। देखिए, मैंने तमाम चिकन को एक बाउल में अलग कर लिया और मसाला अलग कर दिया। ये देखिए, मसाले को अलग कर दिया। तो आपने आखिर तक इस वीडियो को लाजमी देखना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ये 2 टेबलस्पून सूखी मेथी पानी में भिगो के रखी हुई थी, इस पॉइंट पे इस मेथी को मैं इसमें मसाले में शामिल करूंगी और इसी मसाले में थोड़ी देर इसको भूनेंगे। सूखी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। मेथी भी जब अच्छे तरीके से थोड़ी देर भुन जाए तो फिर इसमें शामिल करेंगे हम हरा धनिया और 5 से 7 हरी मिर्च। इसे भी मसाले में थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो ये हमारा अब पालक का मसाला तैयार है। इसमें मैंने शामिल किया है तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा कम पानी है, क्योंकि इसी पानी में पालक ने पकना है और उसने गलना भी है और अच्छे तरीके से वो इसी पानी में पक जाएगी, क्योंकि पालक अपना भी पानी काफ़ी छोड़ती है। तो ये पालक के लिए तैयार कर लिया है पानी, और पालक है तकरीबन 2 किलो पालक है। इसे आपने अच्छे तरीके से धो लेना है और छोटा छोटा काट लेना है आपने इसको, और स्ट्रेनर में डाल के रख दिया है ताकि उसका पानी निकल गया। ये मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर ली हुई है और अब इस मसाले में मैंने पालक को डाल दिया। तमाम मसाले को पालक के ऊपर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे मसाले को, और पानी तो हमने पहले भी डाल लिया हुआ है। इस वक्त ये देख लेंगे कि पानी की क्या कंडीशन नज़र आ रही है हमें। मसाला अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए, थोड़ा सा पानी मैंने और शामिल कर दिया और इसे आपने तकरीबन 40 मिनट तक इसे पकाना है। कुकर का ढकना बंद कर देंगे और इसे पकाएंगे 40 मिनट के लिए। दरमियान में आप चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे पालक के लिए एक बड़े ही मुनफरिद और जायकेदार चावल। तो इसके लिए घी मैंने डाल दिया वह 1/2 कप, ये तेज़पात हैं, काली मिर्च है साबुत, लौंग है 3 अदद, और ये दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं। इनको घी में डाल के थोड़ी देर के लिए कड़कड़ाएंगे। ये चावल बेहद मज़ेदार लगते हैं पालक के साथ, आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मुनफरिद और जायकेदार चावल बनते हैं। ये सफ़ेद ज़ीरा है और ये काला ज़ीरा है। 1 टीस्पून ज़ीरा मैंने शामिल किया है। थोड़ी देर इसे भी कड़कड़ा लेंगे घी में। तो ये वीडियो बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार की जाती है, तो प्लीज़ आप हमारी मेहनत का सिले में एज अ गिफ्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये 5 से 7 सब्जी लाए ग्रीन चिली, चलें इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। खुशबू आ रही है मसाले से। इन चावलों में ना तो गोश्त शामिल करना है ना ही चिकन शामिल करना है, मगर इसका टेस्ट बेहद अच्छा लगता है पालक के साथ। मैं तो हमेशा इसी तरह चावल बनाती हूँ, आज मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ ताकि आप भी इसे ट्राई करें और मुझे
ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा आपको ये चावल कैसे लगे। और ये कुछ टुकड़े हैं स्टार एनिस के, बादियान का फूल है, दो तीन मैंने कलियां ली हैं बादियान के फूल की। लीजिए, खुशबू तो आने लगी, खुशबू आ रही है। तो दो गिलास चावलों के मैंने भिगो के रख लिए हुए हैं और अब मैंने पानी शामिल किया एक गिलास। और इसके साथ शामिल करेंगे कुछ मसाले, थोड़ा सा चम्मच चलाया, मसालों की भी खुशबू आ रही है। और अब इसमें शामिल करूंगी मैं नमक 1 टेबलस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप क्यूब्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं, तो 2 अदद क्यूब्स इस्तेमाल कर लीजिएगा। और गरम मसाला पाउडर शामिल किया है 1 टेबलस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चम्मच चलाते जाएंगे और तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। मसाला मिक्स हो रहा है अच्छे तरीके से, ये मसाला मिक्स हो जाए तो फिर इसमें हम पानी को शामिल करेंगे। खुशबू आ रही है, तो पानी शामिल किया है 1 गिलास और ये तीसरा, और 1 गिलास और शामिल करेंगे, तो 4 गिलास पानी के पूरे शामिल कर लिए। 2 गिलास क्योंकि भिगोए थे चावलों के और उसमें डबल मेजरमेंट के हिसाब से 4 गिलास पानी के शामिल कर दिए। तो पानी में जब उबाल आएगा तब इसमें हम चावलों को शामिल करेंगे। पानी में उबाल आ गया है, देखिए जब पानी अच्छे तरीके से खौलने लगेगा तब हम इसमें चावलों को शामिल करेंगे। तो लीजिए अब इसमें चावलों को शामिल कर देते हैं। तो जी, अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करके और अच्छी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं। तो देखिए अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ चावलों को। ढकना रख दिया है और चावलों को पानी खुश्क होने तक पकने के लिए छोड़ देते हैं। और अब दूसरी तरफ बारी आ जाती है पालक की। इसको मैंने चेक किया और पानी देखे बिल्कुल खुश्क हो चुका है, पालक गल चुकी है। और इसको अब चेक कर लेते हैं, हम चम्मच से चेक किया है, नहायत बेहतरीन खुशनुमा लुक आई है पालक की, गली भी हुई है। और अगला स्टेप जो अब हमने करना है वो ये है कि एक मधानी लेके इससे पालक को थोड़ी देर घोट लेंगे। तो लीजिए मधानी से हम इस पालक को घोटा लगाएंगे। और इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो आप इलेक्ट्रिक मधानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्राइंडर में भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरीके से घुटी हुई पालक ज़्यादा पसंद है। अब आप तो अपने बॉस खुद ही हैं, आप जैसा चाहें तो वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनी हुई पालक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। 5-7 मिनट तो लग जाएंगे इसे घोटने में। तो मधानी से अच्छे तरीके से इसको घोटना है। दूसरी तरफ मैंने चावलों को भी रखा हुआ है और उसको भी एक नज़र देख लेते हैं, तब तक ये पालक की आंच हल्की कर देते हैं। तो लीजिए ज़रा चावलों को चेक कर लें।
तो देखिए पानी इसका चावलों का खुश्क हो चुका है और अब इसको मज़ीद खुशनुमा बनाएंगे ये कलर डाल के, दो कतरे एक तरफ और दो कतरे बस दूसरी तरफ। और दम कर लगाने से पहले इसके ऊपर जायफल का एक टुकड़ा लेके छोटा, उसको आप दरदरा सा पीस लें। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको हल्का सा पीस लेना जायफल के टुकड़े को, और इसको चावलों के ऊपर फैला देंगे। तो इससे इसकी खुशबू और ज्यादा अच्छी आती है चावलों की, बिल्कुल बिरयानी की लुक आती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है बिरयानी जैसा। और पालक के साथ देगी चावल तो आपको पता है बहुत मज़े के लगते हैं। तो अब बारी आ गई है इस पालक की, उसको तो चावलों को तो आपने दम पे लगा दिया, और अब दोबारा से इसको पालक को घोटेंगे। और ये देखिए अब आप देख रहे हैं कि पालक जो है अच्छे तरीके से भून गई है और साथ में ऑयल इसका अलग हो रहा है। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है पालक की और कितनी खुशनुमा लग रही है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और अब इसमें शामिल करेंगे वो चिकन जो मैंने बाउल में निकाल के रखा था, वो तमाम चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये चिकन तकरीबन 75% कुक्ड है और बाकी जो इसकी कसर है वो हम इस पालक में पका के पूरी कर लेंगे। निहायत मज़ेदार पालक बनती है ये, एक दफ़ा आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। तो अब हम चावलों को फिर से चेक कर लेते हैं। चावलों को हल्की आंच पे दम पे रखा था, तो देखिए अब इसका ढकना उठा के हम इसे चेक कर लेते हैं। तो जी माशाल्लाह चावल बिल्कुल तैयार हैं और ये पालक के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और देखिए कलरफुल, ना ही इसमें चिकन का इस्तेमाल किया है ना ही इसमें गोश्त का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये देखने में खुशनुमा, और खुशनुमा चीज़ें तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। चलिए सादे की बजाय अगर आप इस तरीके से चावल बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे खाने में भी और देखने में भी। अच्छे तरीके से चावलों को अलग अलग कर लें। इस पॉइंट पे ये बहुत अहम टिप है कि आप चावलों में चम्मच चला के उसको ऊपर नीचे कर लें, वरना चावल आपस में जुड़ जाते हैं। अब ढकना दे के इसे रख दें और अब पालक को चेक कर लेते हैं। लीजिए पालक भी बिल्कुल तैयार है, 10-1 मिनट इसे हल्की आंच पे पकाया है। और अब बारी आ गई सर्विंग की, तो जी ये सर्विंग के लिए मैंने प्लेट ली है। बाउल में अच्छे तरीके से चावलों को भर के एक प्लेट में उल्टा लें और अब मैं बाउल को अलग कर दूंगी। तो देखिए कितने खूबसूरत और प्यारे चावल लग रहे हैं, देखने में तो खुशनुमा है ही, टेस्ट में भी बहुत अच्छे। और ये देखिए पालक चिकन भी बिल्कुल तैयार है, इन दोनों का कम्बिनेशन नहायत मज़ेदार लगता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो आपने इसको बना के मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि ये पालक चिकन और ये चावल किस किस को अच्छे लगे हैं। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ अपने कमेंट्स को, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और गिफ्ट के तौर पर ये जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और चलती हूँ और अब मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।